गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ASGP फर्स्ट ईयर में जो हमारी सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, जो ASGP फर्स्ट ईयर का पाँचवें नंबर का पेपर है, फिफ्थ नंबर का, उसके अंदर उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इस सब को हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स में, उसका नाम है जेनेटिक्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकी, ठीक है। तो जो जेनेटिक शब्द है, जेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टू बिकम, टू ग्रो, इनटू, टू जनरेट, जिसका अर्थ होता है आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। तो आनुवांशिकी क्या होता है? आनुवांशिकी का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। और जो जेनेटिक शब्द है, आनुवांशिक जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा के शब्द टू बिकम, टू ग्रो, टू इन, टू टू जनरेट, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण से उत्पन्न हुआ है ना, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली वंशागतियों का, उसके अंदर आनुवांशिकताओं का एवं उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? आनुवांशिकी के अंदर करते हैं। तो जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन होएगी? जेनेटिक्स की डेफिनेशन, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनक जीव से उसकी संतति में लक्षणों के संचार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनक जीव से उसके लक्षणों, जनक जीव से उसके लक्षणों का उसकी संतति में संचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जेनेटिक्स की डेफिनेशन। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स जो शब्द का उपयोग किसने किया था? W. बैट्सन ने। जेनेटिक्स शब्द का उपयोग सन 1906 में वैज्ञानिक W. बैट्सन ने किया था। किसने किया था? W. बैट्सन ने 1906 में किया था। W. बैट्सन को ही आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स से कहा जाता है W. बैट्सन को। तथा आनुवांशिकी का जनक, सिर्फ आनुवांशिकी का जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को
कहते हैं जिन्हें आनुवंशिकी का पायोनियर भी कहा जाता है। आनुवंशिकी का पायोनियर भी कहा जाता है। आनुवंशिक शब्द का प्रयोग तो किया था W. वैटसन ने 1906 में, और आनुवंशिकी का जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकी का फादर कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है W. वैटसन को, जिन्होंने आनुवंशिक शब्द का उपयोग 1906 में किया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हमने देख लिया भाई आनुवंशिकी को किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत जनक जीव से उसके संतति में लक्षणों के संचार की गति को क्या कहेंगे हम, आनुवंशिकता कह देंगे। आनुवंशिक शब्द का उपयोग W. वैटसन ने 1906 में किया था। आनुवंशिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द टू बिकम, टू ग्रो, इनटू, टू जनरेट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। ठीक है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में जो प्रायोगिक कार्य किए थे वो किसने किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्य ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे, ये हम सबको पता है। आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन, तो हमने पढ़ी ली। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनक जीव से उसकी संतति में लक्षणों के संचार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। ठीक है, अब आनुवंशिकी के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वेरिएशन यानी कि विभिन्नता, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति, हेरिडिटी का मतलब भी वंशागति। इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, आनुवंशिकी के अंतर्गत ही इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे वेरिएशन की डेफिनेशन। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। तो विभिन्नता किसे कहेंगे, सभी पशुओं में, पक्षियों में पाए जाने वाली भिन्नता को हम क्या कह देंगे, विभिन्नता। सभी प्रकार के पालतू पशु व पक्षी, पालतू शब्द हटा देंगे क्योंकि विभिन्नताएं और भिन्नताएं सभी में पाई जाती है, पालतू पशुओं में नहीं, सभी में, जंगली जानवरों में, सब में। तो सभी प्रकार के पशु व पक्षियों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं, विभिन्नता यानी कि वेरिएशन। ठीक है, इसे क्या कह देंगे, वेरिएशन। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इनहेरिटेंस या फिर हेरिडेटरी या फिर वंशागति। अब हम देखेंगे आगे कि इनहेरिटेंस या हेरिडेटरी दोनों एक ही होते हैं, यानी कि वंशागति, जिसका मतलब होता है माता पिता से संतति में गुणों के जाने की गति को हम क्या कह देंगे, वंशागति। यानी कि माता पिता से संतति में गुणों के जाने की गति को ही वंशागति, वंशागति कहते हैं। तो इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी या हेरिडिटी
किसे बोलते हैं, वंशागति किसको बोलते हैं, माता पिता से संतति के अंतर्गत अंदर जो गुण जाते हैं और उन गुणों के जाने की जो गति होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, वंशागति कह देते हैं। अब आनुवांशिकता होती है उसी का जो अध्ययन है कई शाखाओं में किया जाता है। आनुवांशिकी का अन्य शाखाओं के साथ अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, अलग अलग शाखाओं में उन सब की जो शब्दावलियाँ होती हैं उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो टर्मिनोलॉजी हमारे काम में आती है। आनुवांशिकी का हम और कौन कौन सी शाखाओं के साथ अध्ययन कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आनुवांशिकता का विभिन्न विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ संबंध। आनुवंशिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ संबंध। अब आनुवंशिकता का विज्ञान के अन्य शाखाओं के साथ जो संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आनुवांशिकता के अन्य शाखाओं के साथ संबंध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होती है, साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी का कोशिका विज्ञान के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स कहलाता है, जिसके अंतर्गत पैतृक गुणों की वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंदर क्या करते हैं, पैतृक गुणों की वंशागति का भी हम अध्ययन कर लेते हैं सेल्स के द्वारा। तो आनुवांशिकी का कोशिका विज्ञान के साथ अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स। आनुवांशिकी का कोशिका विज्ञान के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स। दूसरे नंबर पे आता है प्लांट जेनेटिक्स। प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स से समझ में आ रहा है हमें पेड़ पौधों के साथ अध्ययन करना। आनुवांशिकी का पेड़ पौधों के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का पेड़ पौधों के साथ अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, पादपों में जो प्रजातियां होती हैं अलग अलग फसलों में संकरण के द्वारा नई नई प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों की जो वंशागति होती है विभिन्नताएं होती हैं उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, प्लांट जेनेटिक्स के अंदर करते हैं, जिसके द्वारा हम संकरण के द्वारा नई नई प्रजातियों उत्पन्न करते हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके, वह क्या बोलते हैं फसलों के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति आ सके। तो संकरण है ना, प्रजाति में सुधार, फसलों में सुधार के लिए क्या करते हैं हम, प्लांट जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं। आगे हमारा आता है एनिमल जेनेटिक्स। एनिमल जेनेटिक्स इसमें समझ में आ रहा है पशुओं का यानी कि आनुवांशिकी का जानवरों या पशुओं के साथ अध्ययन करना। आनुवांशिकी का पशुओं व जानवरों के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनिमल जेनेटिक्स। इसमें भी क्या होता है, इसमें संकरण के द्वारा, इसमें संकरण के द्वारा नई उन्नत ब्रीड यानी कि नस्लों का उत्पादन ताकि वह शारीरिक मानसिक व आनुवांशिक रूप से उनमें जो विकृतियां होती हैं उनको सुधार कर उसको ठीक करना, तो वो सब किस में होता है, एनिमल जेनेटिक्स के अंदर होता है। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स और भी
शब्दावलियों के बारे में। स्टूडेंट्स, में हमारा एनिमल जेनेटिक्स चल रहा था, तो उसी में उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक व कृत्रिम प्रजनन के द्वारा पशुओं में नस्ल को सुधारा जाता है, जैसे कि डॉली बेर्ड का क्लोन। सभी को पता है डॉली बेर्ड का क्लोन बड़ा था, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर जेनेटिक्स। एग्रीकल्चर जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर जेनेटिक्स वही बात होगी जिसके अंदर आनुवांशिकी का कृषि विज्ञान के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चरल जेनेटिक्स। जिससे क्या करते हैं, हम उत्तम किस्मों का अधिक से अधिक उत्पादन देने के लिए रोग प्रतिरोधक किस्म तैयार करते हैं। तो आनुवांशिकी का कृषि विज्ञान के साथ अध्ययन करना, आनुवांशिकी का कृषि विज्ञान के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनिमल जेनेटिक्स। में क्या करते हैं, हम उत्तम किस्म तैयार करते हैं तथा ऐसी किस्में जो रोग प्रतिरोधक हो, रोग प्रतिरोधक हो, साथ ही अच्छा उत्पादन दे, अच्छा उत्पादन भी दे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एनिमल जेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी का भ्रूण विकास के दौरान आनुवांशिकता व विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स कहलाता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण के विकास के दौरान ही आनुवांशिकताओं का एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण के विकास के दौरान ही आनुवांशिकता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में भ्रूण के विकास के दौरान ही उसकी आनुवांशिकताओं का एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन जेनेटिक्स। रेडिएशन जेनेटिक्स, रेडिएशन से हमें समझ में आ रहा है विकिरणों के साथ, तो आनुवांशिकी का विकिरणों के साथ हम जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन जेनेटिक्स। यानी कि विकिरणों के द्वारा हम उत्पन्न या प्रेरित उत्परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रेडिएशन जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का किसके साथ अध्ययन करते हैं, विकिरणों के साथ, ताकि हम क्या कर सकें, विकिरणों से उत्पन्न या प्रेरित उत्परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें, विकिरणों से प्रेरित व उत्पन्न उत्परिवर्तनों का अध्ययन कर सके, वो सब किस में होता है, रेडिएशन जेनेटिक्स में होता है। किस में होता है, रेडिएशन जेनेटिक्स में होता है, जिसमें विकिरणों के साथ किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता का, ताकि हम उत्परिवर्तन के
जो प्रकार होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं अचानक शरीर के अंदर, किसी भी जीन में जो उत्पन्न बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, उन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? रेडिएशन जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी का सुजनन विज्ञान के साथ अध्ययन करना। यूजेनिक्स का क्या मतलब होता है? यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकी का सुजनन विज्ञान के साथ अध्ययन करना। सुजनन विज्ञान के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मानव जाति में जो नस्ल सुधार के जो कार्य किए जा रहे हैं वो यूजेनिक्स में किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? मानव जाति में नस्ल सुधार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूजेनिक्स। आगे आता है हमारा जेनेटिक्स एंड मेडिसिन, या जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंड मेडिसिन या फिर क्लिनिकल जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? जैसे कि रोग हो गए, क्या बोलते हैं उनको, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे रोगों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? क्लिनिकल जेनेटिक्स में। इसके अंतर्गत हीमोफीलिया, डायबिटीज़, इत्यादि रोगों का अध्ययन या इत्यादि बीमारियों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं हम? क्लिनिकल जेनेटिक्स में। आगे आता है बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स, समझ, नाम से ही पता चल रहा है, आनुवांशिकी का जीवाणुओं विषाणुओं के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियल जेनेटिक्स या माइक्रोबियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इसमें क्या करते हैं हम? जीवाणुओं विषाणुओं का आनुवांशिकता में किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? जीवाणुओं, बैक्टीरिया व विषाणु, वायरस। जीवाणुओं विषाणुओं का अध्ययन मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? बैक्टीरियल जेनेटिक्स में सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन किस में होता है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स में होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? मानव के जो विभिन्न लक्षण होते हैं, मानव में जो रोग होते हैं, उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ह्यूमन जेनेटिक्स में। मानव में जो विभिन्न लक्षण होते हैं, फिर उनमें जो रोग होते हैं, उनकी जो वंशागति होती है, उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ह्यूमन जेनेटिक्स में। ह्यूमन के
सिम्टम्स, डिजीज का वह हेरिडिटी वंशागति का अध्ययन किसमें किया जाता है? ह्यूमन जेनेटिक्स में। किसमें किया जाता है? ह्यूमन जेनेटिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा बायोकेमिकल जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्या है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बायो केमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे गुणसूत्र हो गए, जीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, और अन्य कोई भी कोशिका का अंग हो गया, और जो जैव रसायन हो गए, उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? गुणसूत्रों का। जीन्स का, न्यूक्लिक एसिड, अम्ल का, अम्ल व जैव रसायनों का अध्ययन किसमें करते हैं? बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। किसमें करते हैं? बायोकेमिकल जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? गुणसूत्रों का, जीनों का, न्यूक्लिक अम्लों का, जैव रसायनों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। आगे आता है हमारा फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स। फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स यानी कि कार्य की आनुवांशिकी। इस शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हम ब्लड ग्रुप्स का, आरएच फैक्टर का, एनीमिया का, और उनकी कार्यकी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स में। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स व आरएच फैक्टर, आरएच कारक का अध्ययन, एनीमिया, रक्त की कमी इत्यादि का अध्ययन हम किस में करते हैं? फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। इन सभी की यानी कि रक्त समूह की, आरएच फैक्टर की, एनीमिया की इत्यादि की फिजियोलॉजी का, कार्यकी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स में करते हैं। इसी के साथ आज हमारी जो जेनेटिक्स का जो चैप्टर था फर्स्ट नंबर का, उसकी टर्मिनोलॉजी वो सब कंप्लीट होता है। तो हमने आज इसमें सब जेनेटिक्स की, जो जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करें, ताकि आपको समय समय पर सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके, आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके तथा आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।